नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू जबर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं निर्मल चौहान आपके लिए एक और वोकैबुलरी का सेशन लेकर आया हूं। अब वोकैबुलरी के सेशन के अंतर्गत अपन हम लोग बात करें, वोकैबुलरी का सेशन आप लोगों के लिए रेगुलर आ रहा है, ठीक है। मैथ का टीचर हूँ लेकिन फिर भी वोकैबुलरी का सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैथ इंग्लिश पर ही अपने पास क्या भाई नया टिकी है। कोई अगर माने या नहीं माने, लेकिन अपने पास अगले साल CET आना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो भी आ जाएगा। और ये दोनों अपने पास जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा ना, जो बेस्ट रहेगा उसका, वो मैथ और इंग्लिश रहेगा मेरे भाई, ठीक है। पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ेगा उसका हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो रह जाएगा। हर किसी का सिलेक्शन थोड़ा होता है, 8000 पोस्ट निकलती तो सारों का सिलेक्शन हो गया क्या? देखो, बहुत जल्द एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं पटवारी की और DRDO की, उसका वीडियो भी आपके पास आने वाला है। मैंने उसके लिए भी बहुत शानदार तरीके से स्ट्रेटेजी बताई, हाउ टू प्रिपेयर लाइक द बेस्ट एंड हाउ टू सेलेक्टेड लाइक द बेस्ट। आपको सेलेक्ट नहीं होना है, आपको रैंक के लिए काम करना है। अब रैंक के लिए खेलोगे आप लोग, सेलेक्ट के लिए नहीं खेलोगे। और ये चैनल भी मैंने इसलिए बनाया है। अब बात रही अपने पास मैथ के कंटेंट की, तो मैथ के कंटेंट में हार्ड क्वेश्चन सीरीज आपकी वापस स्टार्ट होगी, ठीक है। एक या दो दिन के अंदर मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा। वो हार्ड क्वेश्चन सीरीज रहेंगे बहुत ही खतरनाक हार्ड। कई लोगों को अगर ऐसा लगता है कि जो सर है वो अपने पास जो कंटेंट है, मैं देखो कंटेंट इजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हार्ड क्वेश्चन सीरीज उन बंदों के लिए रहेगा जिनको लगता है कि हमें मैथ में सब कुछ आता है, ठीक है। उन बंदों के लिए वो अपने पास वो सीरीज रहेगी और वो शानदार से शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जरूरी नहीं अपने पास 20 बंदे भी देखेंगे चलेगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन तो मैं वापस स्टार्ट करूंगा। अब अपने पास जो नेक्स्ट बात आती है वो है कि सर हम लोग मैथ की जो रेगुलर क्लासेज है वो कब लेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए सॉरी है, इसके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंस अपने पास इनकन्वीनियंस हो रहा है। देखो मैथ के अंदर क्या है, एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन को यहाँ पर आपके पास दिखाना स्क्रीन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपने पास अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर इंग्लिश में दिखाना, हिंदी में दिखाना, तो यार देखो काम बहुत ज़्यादा है। और मैं बंदा अकेला हूँ, आपको भी पता है, ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनको तो सभी को पता ही है कि मैं सब कुछ अपने आप ही संभालता हूँ। लेकिन अब यूट्यूब चैनल पर एज ए टीम वर्क करना है, उसके लिए मैं बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ। टाइपर जो है अपने पास, टाइपिंग का काम भी मैं ही संभाल रहा हूँ, ठीक है। सारे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारा टाइप मैं ही करता हूँ। और उसके बाद में अपने पास जो एडिटिंग वगैरह का काम है, एडिटिंग तो चलो बच्चों ने अब सीख ली है तो बच्चे वगैरह कर लेते हैं, और दो तीन बंदे हैं जो अपने पास जुड़ चुके हैं। अब थोड़ा टाइपर वगैरह भी जुड़ जाए और इस तरीके से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी आपको मैं मैथ के वीडियो जो रेगुलर है वो रेगुलर बेसिस पर अपने पास लेकर आऊँगा, ठीक है। एडवांस में आपका एलजेब्रा और अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसका रिज्यूम बहुत जल्दी करेंगे। आप लोग तो कुछ मत करो, आप लोग तो बस चैनल के साथ तन मन धन के साथ जुड़े रहो। यार एक बात बता दूं मैं आपको, रिलेटिव कंटेंट पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अपने पास ऊट पटांग कंटेंट पढ़ोगे, ये जो वर्ड्स है ना अपने पास, ये जो सारे दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स मैं अपने लिए जो तैयार करता हूं उनमें से छाट कर लेकर आता हूं, याद रखना है बात में। SSC ट्यूब और टेस्ट बुक के जितने भी अपने पास पेपर या क्वेश्चन पेपर जो मिलाता हूं मैं, ठीक है, और SSC के अंदर पर्टिकुलर सारे वर्ड दिखेंगे आपको, बैंकिंग के अंदर सारे वर्ड दिखेंगे। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो अपने पास बाहर चला जाएगा, सारे वर्ड रिपीटेड वर्ड होते हैं। कोई भी अपने पास 100 में से अगर अपन 10 वर्ड भी लेकर आए ना, वो नए निकलते हैं हर साल के अंदर, बाकी रिपीटेड वर्ड्स ही आते हैं। तो अपना जो पहला वर्ड है, वन हू डाइज विदाउट ए विल, विल अपने पास क्या भाई, बिना वसीयत के मर जाना, बिना वसीयत के मर जाना, उसका अपने पास आंसर क्या होगा, इंटरेस्टेड। क्या होगा अपने पास, इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी शाही भर दीजिए भाई आप लोग फटाफट, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा शाही भर देते हैं, इतना तो अपन ने कर लिया है काम। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अगर पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई के लिए अगर आप अगर समर्पित नहीं हो तो कोई बात नहीं है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता और हर कोई अपने पास सरकारी नौकरी नहीं लेता, जो लेते हैं वो पागल होते हैं। आपको एक बोरिंग का सेशन, यानी एक बोरिंग सेशन होता है, रोज़ पढ़ाई करना है, रोज़ 9 बजे अपने वोकैबुलरी का वीडियो है उसको राइट डाउन करना, एक बहुत ही बोरिंग सेशन है, ठीक है। अगर इस बोरिंग सेशन को आप लोगों ने कर दिया, ठीक है, IAS की जो तैयारी करते हैं ना उनको 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो एक ही सेशन को अपने पास रेगुलर रिपीट भी करते हैं और अलग अलग वेरियंट्स के अंदर काम करते हैं, तो वो छोड़ दे क्या? SSC के अंदर बंदे मैथ और इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं जानते, I am one of them, तो क्या हम लोग छोड़ दें उसको? नहीं छोड़ सकते यार, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे, और एक बात बता दूं, पेशेंस जो रखेगा ना उसका अपने पास जॉब लगेगा। आप लोग कहते हो कि मैं एक साथ तैयारी करने के बाद में आपके पास अपने पास जॉब लग जाएगी, दैट्स नॉट द पॉसिबल वे। ये अपने पास क्या भाई, स्ट्रॉबेरी दुनिया नहीं है, दुनिया जो है ना बहुत ही खराब है। आप लोग खुद अपने पास कॉम्पिटिशन में नहीं हो, यहाँ पर दुनिया भर की कॉम्पिटिशन है, दुनिया पढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक बात है हमेशा याद रखना, कोई भी बंदा होता है 90% 12th में लेकर आता है, उसके बाद में वो सीधा कहता है हाँ भाई कॉम्पिटिशन के अंदर हमें सही गाइडेंस, रिलेटिव कंटेंट, आज दुनिया भर का मार्केट खुला हुआ है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जो SSC की तैयारी कर रहा है, CAT के क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो रिलेटिव हो गया क्या? लेकिन अपने पास क्या भाई, लेवल बढ़ाने के लिए आप CAT और CDS को भी बीच में घुसा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छा भी है, क्योंकि आप थोड़ा लेवल का ऊपर का पढ़ते हो तो आपको अच्छा आ जाता है, लेकिन जिनका बेसिक कमजोर है वो कैसे करें?
आरएस अग्रवाल मैथ के अंदर हो गई, मथुरिया हो गई, आपने उनको तो सही तरीके से पढ़ा नहीं और आप अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस के अंदर जाओगे तो नहीं बैठेगा। और एक बात बता दूं, आरएस अग्रवाल और मथुरिया जो अपने पास बुक्स अगर अवेलेबल रहती है ना, ये क्या आपका बेस तैयार करती है यार, ये आपको सेलेक्ट नहीं करवाती। सिलेक्शन के लिए बहुत प्रोसीजर अलग होता है, आपकी स्पीड मायने रखती है। 12 गुणा 12 144 होता है, 144 गुणा 2 288 होता है, 288 गुणा 3 अपने पास कितना होता है 840 प्लस अपने पास कितना भाई 2 से 3 8 24 तो कितना भाई ये आपके पास हो गया 864। तो इस तरीके से आप काम करो, फास्ट अप्रोच है, आपका दिमाग बहुत फास्ट तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, आपका दिमाग सही तरीके से सोच नहीं पाता है और फास्ट तरीके से सोच नहीं पाता है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग वेरिएंट इतना है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है अपने पास 55 होता है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, अगर आप इसको फटाफट तरीके से एनालाइज नहीं करोगे तो कैसे करोगे। कैलकुलेशन फास्ट हो, इंग्लिश के अंदर पढ़ने की क्षमता आपकी फास्ट हो, इंग्लिश के अंदर आप जो पढ़ रहे हो वो अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या इन सभी चीज़ों पर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आज से ध्यान देना शुरू करो। आज का पहला वन वर्ड देखते हैं, ठीक है। वन डाइज विदाउट अ बिल, इसका अपने पास क्या होगा, बिना वसीयत के मरना, तो इसको कहेंगे इंटेस्टेट। बिना वसीयत के मरना, बिना वसीयत के मरना। शायद पेन में कोई है, अपन पेन चेंज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एफिमिनेट, एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, एफिमिनेट का मतलब अपने पास होता है स्त्रियों के गुणों वाला, स्त्रियों के गुणों वाला, ठीक है। एक देखो, एक तो होता है एफिमिनेट, एक होता है फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रियों का पक्षधर, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। फ्यूजिटिव यानी क्या हो गया, फ्यूजिटिव यानी हो गया भगोड़ा, भगोड़ा यानी कानून का भगोड़ा, जो कानून से भाग गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव भी कह सकते हो। और एक और वर्ड है एब्सकॉन्डर, इसी का सिनोनिम क्या है भाई, एब्सकॉन्डर, ABSCONDER, एब्सकॉन्डर। अगला हेरेटिक यानी क्या हो गया भाई, हेरेटिक का मतलब अपने पास क्या होता है, हेरेटिक का मतलब होता है कट्टरवादी, ठीक है। कट्टरवादी था अपने पास, कोई बंदा होता ना बस वो अपने धर्म के बारे में गीत गाता रहता है, उसे आप लोग क्या कहेंगे, कट्टरवादी कहेंगे। देखो इससे मिलता जुलता वर्ड एक अपने पास और है, ऐसे पाखंडी लोग जो होते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग ये है वो है फलाना, लेकिन अपने पास क्या भाई, एक तरह से सामाजिक नियमों का बहुत ज़्यादा अपने पास रहता है, उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते रहते, वो कितनी भी अपने पास क्या भाई पुरानी परंपरा है, तो ऐसे पाखंडी लोगों को हम लोग कहेंगे स्कैंटीमोनियस, स्कैंटीमोनियस, पाखंडी, ठीक है। और ये मैं YouTube के अंदर मैथ का पहला टीचर हूँ जो आपको ये वोकेबलरी का सेशन भी लेता है, ठीक है, याद रखना ये बात नहीं, क्योंकि वोकेबलरी मेरी बहुत तगड़ी स्ट्रांग है, ये बात मैं गारंटी के साथ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ। अगला अपने पास है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी सभी को अपने पास, यानी ब्लेम का मतलब आरोपों से मुक्त करना, तो उसके लिए अपने पास ब्लेम का मतलब हो गया आरोप, तो एक्जोनेट का मतलब हो गया क्या भाई, सभी आरोपों से मुक्त करना, आरोपों से मुक्त करना या बरी करना, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला हाइब्रो, हाइब्रो का मतलब क्या हो गया, हाइब्रो का मतलब हो गया घमंडी, क्या हो गया मेरे भाई, घमंडी। घमंडी के लिए एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, वो है सुपरलिशियस, SUPERLICIOUS, सुपरलिशियस हो गया, एरोगेंट हो गया, प्राउडी आपको तो पता ही है, ठीक है, ये सारे वर्ड लिखना है मैं, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा। अगला अपने पास एस्केपिज्म, एस्केपिज्म का मतलब होता है बचना, ठीक है। हैंडपैक्ड, हैंडपैक का मतलब क्या हो गया, काफ़ी तगड़ा वर्ड है, याद रखना है जरूर, ठीक है, दो चार वर्ड है लेकिन अब मैं अभी जो आया है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। हैंडपैक का मतलब हो गया जोरू का गुलाम, एक और वर्ड है लेकिन अब उसको जानने देते हैं अपने पास, क्योंकि थोड़ा सा चीप टाइप का है। वन हु स्पीक लेस, वो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, अनरिजर्वड रहता है, ठीक है, बहुत रिजर्व आदमी है, चुपचाप रहने में अपने पास होता है, इंट्रोवर्ट जैसे अपने पास हो गया, तो ऐसे को बोलेंगे रेटिसेंट, रेटिसेंट यानी क्या भाई, चुपचाप आदमी, ठीक है। इसके लिए अपने पास एक वर्ड लिखा था क्या भाई, TACITURN, टैकिटर्न, एक ये हो गया, और रिजर्व्ड एक अपने पास ये हो गया। अगला देखो बोहेमिया, बोहेमिया अपने पास एक रैपर है, बोहेमिया, बोहेमिया को अपने पास याद कैसे करेंगे, जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता, बोहेमिया को कैसे याद रखोगे, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करने वाला, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करने वाला, पालन नहीं करने वाला, ठीक है। अगला अपने पास है अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है जो अपने सिद्धांत व धर्म के नियमों को त्याग देता है, ठीक है। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, जो अपने धार्मिक सिद्धांतों का त्याग कर दे, जो अपने धार्मिक सिद्धांतों का त्याग कर दे, सिद्धांतों का त्याग कर दे। देखो ऐसे वर्ड जो बार बार आया है मैं उनको नहीं लिखाऊंगा,
आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब अपने पास क्या हो गया, आर्बिट्रेटर का मतलब अपने पास है अगर अपन लोग देखें कि दो बंदों की अपने पास लड़ाई हो रही है, तीसरा बंदा आकर उनकी मध्यस्थता करवा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आप बैठिए। अगला, स्टडी प्लेस अंडर ट्रीज, स्टडी प्लेस अंडर ट्रीज का मतलब होता है बोर, बोर यानी अपने पास क्या भाई, एक छायादार स्थान। क्या हो गया भाई, छायादार स्थान। ठीक है, एक बात बताओ, शेडो अपने पास होती है, अगर शेडो अपने पास, उसे क्या कहते हैं भाई, छाया। ठीक है, परछाई, तो शेडी, शेडी अपने पास है, ट्रीज की अगर परछाई है तो इसको कैसे याद रखो कि बोर। ठीक है, अगला, डेबोनियर, डेबोनियर का मतलब क्या होता है, डेबोनियर का मतलब होता है खुश मिजाज आदमी, राजी खुशी, बिंदास, टेन से फ्री। ठीक है, डेबोनियर भी करवाया था। एक और अपने पास मैंने वर्ड लिखा था, एडोनिस, एडोनिस अपने पास रोमन सभ्यता से लिया हुआ वर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो बंदा होता है उसके लिए। एक अपने पास वर्ड है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का मतलब अपने पास होता है कोई बंदा होता है ना, बहुत ही अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, बस बढ़िया बढ़िया खाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया अच्छा खाने का शौकीन, अच्छा खाने का शौकीन। फ्यूजिटिव आपको लिखा हुआ है, तो इसी से गवर्नमेंट के लिए अपने पास कुछ वर्ड है। एक होता है जी ओ यू आर एम ई टी, गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू। ठीक है, और एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड है ग्लटन, ग्लटन का मतलब भी क्या होता है भाई, पेटू, दबा के खाने वाला। याद रखना, ये सारे वर्ड लिखना, एक के बढ़कर एक वर्ड है सारे, 40 वर्ड के अलावा मैं कई सारे वर्ड लिखा देता हूँ, तो ये सारे वर्ड आपकी कॉपी के अंदर होने चाहिए। अगला, ए पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी। अब देखो, लॉकडाउन के अंदर ऐसे कई सारे बंदे जिनकी जॉब चली गई है, कई सारे बंदे बेरोजगार हो गए, कई सारे बंदों का अपने पास घर वर तो अभी नहीं कह सकते, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह तो थोड़ी बहुत रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जॉब का थोड़ा सा इशू रहा है, तो ऐसे बंदों के लिए हम लोग कहेंगे डेरिलिक्ट, वीरान, उजड़ा हुआ। ठीक है, और शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा वीरान हो चुके थे शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा एक विस्मरणीय कदम उठाया जिन्हें हम कहते हैं सुसाइड, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत है ये, मैं आज भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और अपने पास एक वर्ड है नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब जो ये वर्ड बना है, ये बना है नार्सिसिज्म से, एन ए आर सी आई डबल एस आई एस एम, नार्सिसिज्म का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। देखो भाई, ऐसा है कि ये दुनिया बहुत ही क्या है, बकवास, यहाँ पर कोई आपकी प्रशंसा करेगा ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने खुद अपनी प्रशंसा कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं बेस्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद की प्रशंसा करना, दुनिया तो नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी, बोलिए आप कितना भी अच्छा काम कर लो। ठीक है, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग होता है जो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखे जो अपने पास अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे, आपके टांग खिंचाई करने वाले मिलते हैं, तो भी है क्या भाई, नार्सिसिज्म। लेकिन नार्सिसिज्म का मरने का मतलब ये, संदीप माहेश्वरी साहब कहते हैं कि अपने आपके एक अंदर एक ऐसा ऑरा तैयार कर लो कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन आप काम ही नहीं करते तो वो बेस्ट नहीं होता, बेस्ट बनने के लिए आपको वैसा काम भी करना पड़ता है बेस्ट होने के लिए। ठीक है, अगला अपने पास है नार्सिसिज्म का मतलब खुद की प्रशंसा करना, तो ये क्या भाई, नार्सिसिस्ट का मतलब भी यही होता है, खुद की प्रशंसा करना, ये इसी से बना है। ठीक है, आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो पारंपरिक सिद्धांतों में, धार्मिक नियमों का अपने पास पालन नहीं करे, उनमें विश्वास ही नहीं रखे, जाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, साथ खड़े नहीं होते, तीन पैरों में काम चलाऊंगा मैं। ठीक है, जो सामाजिक नियमों में काम विश्वास नहीं रखता, सामाजिक, जो धार्मिक परंपराओं में विश्वास ना रखे, धार्मिक परंपराओं में विश्वास ना रखे, विश्वास ना रखे। देखो ये इम्प्रेग्नेबल वर्ड मैंने पहले भी लिखवा रखा है, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, या जिस पर कंट्रोल ना हो, जिसे जीता ना जा सके। आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है भाई, क्योंकि मैं आता हूँ 10 मिनट के अंदर ये अपने पास वीडियो बना देता हूँ, और मैथ का कंटेंट भी अपने पास बहुत तगड़े तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस पर, उसके अंदर मैंने कैड भी लिया है, सीडीएस भी लिया है, और भी अपने पास निम सेट के भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तगड़े के तगड़े क्वेश्चन लिए, एकदम अपने पास मजा आ जाएगा आपको टाइम एंड वर्क ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के अंदर। ठीक है, और एलजेब्रा को मैंने पहले बेसिक ही लिए, बेसिक वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला, ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग, देखो इसके अंदर एक वर्ड आया इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है अभी जो खतरा है ना बीच में अपने पास आ रहा है, अभी जोधपुर के, सॉरी गुजरात के अंदर एक भूकंप आया, ठीक है, भुज के अंदर उसका केंद्र है, तो इम्पेंडिंग मतलब क्या, अभी निकट निकट खतरा, सिर पर मंडरा खतरा, ए हैंगिंग थ्रेड इस टाइप से। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे अपने पास क्या भाई, इम्पेंडिंग, बहुत ही पास में जो है। अब यहाँ पर एक वर्ड है नेव, नेव का मतलब होता है सीधा साधा, अपने पास बड़ा आदमी, गुलीबल, सीधा साधा। और तो इसका आंसर क्या होगा, सातवें का आंसर होगा मॉनिसन, तो मॉनिसन का मतलब होता है खतरे का पूर्वानुमान, क्या होता है मेरे भाई, खतरे का पूर्वानुमान। ठीक है, अब यहां पर अगला वर्ड है ऑप्टूज, ऑप्टूज का मतलब होता है अपने पास क्या भाई, क्रिस में जो अपने पास ऋतिक रोशन था, ऋतिक रोशन से पहले वो क्या था भाई, क्रिस तो बाद में बना ना, पहले वो क्या था, रोहित मेहरा, तो रोहित मेहरा क्या था, मंदबुद्धि, तो ऑप्टूज का मतलब हो गया मंदबुद्धि,
ठीक है। फिर आया जादू, जादू ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तब जाकर कोई बात बनी। ठीक है, अगला है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब हो गया मूर्ख। और देखो, कल मैं एक वेब सीरीज देख रहा था इंग्लिश वाली, और इंग्लिश वाली के अंदर डेफ्ट भी आया था, और एक और वर्ड आया था जिसे हम मूर्ख कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंपलीटन। SIMPLETON सिंपलीटन का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? मूर्ख होता है। ठीक है, अगला द कंसर्न विद द ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, इसको तो रट्टा मार लो। एथेस्टेटिक, एथेस्टेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य संबंधी, ये हमेशा याद रखना। कई बार पूछा SSC ने, खूब पूछा। ठीक है, सौंदर्य संबंधी। फॉल यानी क्या होता है? गलती, ये तो आता ही होगा। हाइडियस यानी होता है एक तरह से बहुत ही गंदा, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो। ठीक है, बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा, बहुत ही भद्दा, गंदा। ठीक है, अगला ग्रॉस यानी भाई ग्रॉस रेट। अगर मैथ के अंदर आप लोग बोलते हैं ना, ग्रॉस रेट क्या है अपने पास, यानी टोटल राशि, कुल धनराशि, कुल राशि। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये सारे वर्ड हो गए। इसको मैं वापस ब्लू के अंदर लगा देता हूँ। इंटरेस्टेड का मतलब बिना वसीयत के मरना, एग्जोनेट यानी आरोप से बरी करना, बोर यानी छायादार स्थान, रेटिसेंट यानी चुपचाप। अगला स्मॉल रूप और वर्शिप, अरे भाई साहब ये छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के लिए छोटा सा स्थान, पूजा के लिए छोटा सा स्थान, उसे हम लोग कहेंगे चैपल। पूजा के लिए छोटा सा स्थान, पूजा घर। ठीक है, देखो इसके अंदर एक वर्ड आया बैल। बैल वर्ड कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये पूछ लेते हैं तो बैल का मतलब होता है गांठ। क्या होता है गांठ? पेपर की गांठ नहीं होती, सारे पेपर एक साथ मिला हुआ होता है, उसे कहते हैं कैच। कैच तो आपको पता ही है, मोबाइल के अंदर होता है, हिडन स्टोरेज कैच। ठीक है, ए ब्रूड। ब्रूड का मतलब अपने पास होता है ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, जो नौजवान अपने पास एनिमल्स होते हैं उनकी जो फैमिली होती है, संतान, प्रजाति। ठीक है, तो ब्रूड को आप लोग लिखना, ये ब्रूड काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो ब्रूड के लिए आप लोग लिख देना यहाँ पर, और मैंने ये पहले लिखवा दिया, ऐसी बात नहीं है। ब्रूड ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब सारे मैंने यहाँ पर लिखवा दिए अच्छे से, आप लोग इसको क्या भाई अपनी कॉपी में उतारो और बढ़िया से अपने पास क्या भाई नोट्स बनाओ। अब जहाँ पर रही कि सर सब इंग्लिश से अपने पास इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन, देखो ग्रामेटिकल पोर्शन सर करवाएंगे और सर से बात हो रखी है, वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, वो थोड़ा सा अभी बिजी है। ठीक है, और बाकी रही अपने पास मैथ की बात, तो लाइव का अपने पास स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं अब थोड़ा लाइव का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, फीचर्स वगैरह के मैं लाइव आकर आपको पढ़ा दूँ, तो इसमें ज़्यादा एडिटिंग वेडिंग का लोचा ना हो, और जो भी एडिटिंग वेडिंग के काम में है वो भी आपको धीरे धीरे, आपको सब कुछ थोड़ा सा आप रुको लेकिन आपको अच्छा ही मिलेगा। देखो क्या, मैं भी इनिशियल स्टेज में हूँ, अभी YouTube चैनल बनाए हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब आप कोई नया काम करते हैं, शुरुआती काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, तो मैं उन्हीं कठिनाइयों से होकर निकल रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो यार। ठीक है, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।